औषधि गुणों से युक्त शिलाजीत की मांग कोरोना काल में बढ़ते देख पुश्तैनी इस धंधे से जुड़े लोगों ने पहाड़ों से शिलाजीत निकालने का काम तेज कर दिया है। बिकट पहाड़ों से पसीने के रूप में निकलने वाला ये पदार्थ आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोषामक है, यानी बात पीत कफ के दोष को दूर करता है। शिलाजीत चार प्रकार का होता है, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लो। लेकिन हिमाचल के पहाड़ों पर लो और ताम्र शिलाजीत पाया जाता है। शिलाजीत बहुत कम स्थानों पर विकट और जोखिमपूर्ण चट्टानों पर होता है, जिस कारण इसे निकालना काफी मुश्किल होता है। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में शिलाजीत निकालने के बाद दो प्रकार से शोधन किया जाता है। चट्टानों से पत्थरों को तोड़कर निकालने के बाद पानी में टुकड़ों को रखा जाता है ताकि शिलाजीत घुल जाए। उसके बाद शिलाजीत वाले पानी को दो प्रकार से सुखाकर शोधन किया जाता है। एक विधि आग से उबालकर सुखाना, जिसे अग्नितापी कहते हैं, जबकि एक विधि शिलाजीत वाले पानी को धूप में रखकर सुखाया जाता है। पानी को शोधन के लिए कई बार कप्पड़ छान किया जाता है ताकि पत्थर मिट्टी के कण इसमें ना रहें। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम समेत 85 से अधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं। इन सभी खनिज तत्वों की वजह से मनुष्य के शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। चरक संहिता के अनुसार इसे अन्य गुणकारी औषधियों के साथ लेने से इसके प्रभाव को और अधिक बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल से मनुष्य के तांत्रिका तंत्र को ठीक करने में भी सहायता मिलती है, जिसकी वजह से ये अल्जाइमर, डिप्रेशन और दिमाग के लिए लाभदायक है। पुश्तैनी शिलाजीत निकालने का कार्य कर रहे लीला चंद ने बताया कि दुर्गम और कठिन पहाड़ों पर शिलाजीत निकलता है, मुश्किल से निकालना पड़ता है। शिलाजीत चार प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ दो प्रकार के हैं। उन्होंने बताया कि चोट, छाती दर्द, गिरा हो, जोड़ों दर्द में सहायक हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में शिलाजीत लेंगे तो बीमारी से दूर रहेंगे। मेरा नाम लीला चंद प्रेमी है, मैं निर्मल का रहने वाला हूँ। हम कई सालों से शिलाजीत निकालते हैं। हमारे इधर दो प्रकार की शिलाजीत पाई जाती है, एक तांबर, एक लोहा की। तो उसके निकालने के बाद हमारे उधर जो शिलाजीत तांबर लोहे की होती है, तो इसको दो तरह से बनाया जाता है, एक सूर्यतापी और एक अग्नितापी बनाया जाता है। सूर्यतापी का असर पूरा होता है, जो अग्नितापी होता है उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि आग में थोड़ी सोच उसका जल जाता, थोड़ा सा कम हो जाता है सर उसका जी। और शिलाजीत के बहुत सारे गुण है जी, ये अंदरून चोर, छाती दर्द, जोड़ जोड़ दर्द, गिर गया हो, बस गया हो, कोई भी इंटरनल कोई भी कमजोरी सब दूर कर देता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, शरीर को ताकत देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को पैदा करता है। ऐसे ऐसे गुण शिलाजीत के अंदर होती है। तो आजकल कोरोना काल में क्या फायदे? कोरोना काल में शिलाजीत को खाए तो रोग से दूर ही रहेंगे, रोग नहीं लगेगा और बिल्कुल रोगों से लड़ने की पूरी क्षमता इसके अंदर होती है जी, इसीलिए शिलाजीत। लोकेंद्र ने बताया कि आज वे शिलाजीत निकालने आए हैं। ये काम दादा के समय से उनका परिवार कर रहा है। उन्होंने बताया कि शिलाजीत बहुत ऊंची चट्टानों में होता है। शिलाजीत के फायदे बहुत हैं, शरीर की अंदरूनी कमजोरी को दूर करता है। लोकेंद्र सिंह है, हम आज यहाँ पे शिलाजीत निकालने आए हैं, जो कि हमारे दादा शिलाजीत निकालते थे बहुत टाइम पहले से। तो आज हम यहाँ निकालने आए हैं और ये बहुत कम जगह पे होती है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ों में होती है। तो आज हम शिलाजीत निकाल रहे हैं ऊपर। इसके फायदे क्या होते हैं? फायदे हैं इसके, ये खून को साफ करती है और अंदरूनी जो कमजोरी होती है दूर करती है, जैसे छाती दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है, कुछ और भी बहुत सारी जैसे बीमारियों को खत्म कर लेती है। नेपाली मजदूर महादेव ने बताया कि वे शिलाजीत निकालने का काम कर रहे हैं। इसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। शिलाजीत एक उत्तम घरेलू दवा है। मेरा नाम महादेव है जी, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। ये शिलाजीत निकाल लिए हम लीला सिंह के साथ रह रहे बहुत साल से, हम इधर बहुत कठिनाई करके बहुत दूर से निकाल लिए शिलाजीत। ये बहुत दवाई के लिए और कुछ काम करता है। डॉक्टर सुमेश कटोच ने बताया कि आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार शिलाजीत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। त्रिदोषामक होने के बाद दवाई लेते हुए उसके गुणों में और बढ़ोतरी करता है। उन्होंने बताया कि कोरोना एक ज्वर का ही स्वरूप है। शिलाजीत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होने के कारण इस बीमारी में लाभदायक हो सकता है। शिलाजीत की जहां तक बात करते हैं हम लोग, ये बेसिकली चार प्रकार का ही हमें प्राप्त होता है। स्वर्ण माक्षिक होता है, रजत माक्षिक है, ताम्र माक्षिक होता है और लोह माक्षिक होता है।
तो दो प्रकार से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो सूर्यतापी होता है, सूर्यतापी एक प्रक्रिया है उसके द्वारा कर सकते हैं, या फिर अग्निताप करके भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसका जो शोधन है हम लोग त्रिफला के काढ़े में करते हैं। जहाँ तक COVID-19 की बात करते हैं, COVID-19 का सीधा सा अगर हम कोरिलेशन करें आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार, तो ये हम इसका डायरेक्ट कोरिलेशन जो विषम ज्वर के साथ इसको कर सकते हैं। तो जहाँ तक विषम ज्वर की हम बात करें, तो शास्त्रों में ऐसे डायरेक्ट इसका कोई प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, और कई शास्त्रों में वर्णित भी नहीं है कि शिलाजीत का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शिलाजीत का जो गुण है ये योगवाही होता है, योगवाही का मतलब या कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो डेफिनेटली जो भी हम ड्रग्स लेते हैं उसके साथ शिलाजीत का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके गुणों में डेफिनेटली ये वृद्धि करेगा, और इसके साथ 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 में ये जो एक हमें एज ए बेस्ट वर्टिलाइजर या बेस्ट एप्रोडेक्सिक ड्रग के तौर पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। शिलाजीत के और भी गुण हैं, त्रिदोषामक होने के साथ साथ वैसे भी जो भी दोषों का जो समन्वय स्थापित करने में इसका एक अहम रोल है, और बहुत सारे इसके एक लिस्ट है, मल्टीविटामिन्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल होते हैं। तो बिल्कुल हम इसका स्वस्थ व्यक्ति को इसका हम लोग लगातार प्रयोग करवा सकते हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा, और एक जो बेसिक इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधात्मक की क्षमता है उसको भी बनाए रखेगा, उसको वो जरूर बढ़ाएगा। यही विशेष पे आयुर्वेद शास्त्र में इसका वर्णन इसी को टेस्ट में किया गया है।